मैनपुरी लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान ये क्या हो रहा है क्या डिम्पल यादव की बढ़त खटक रही है या फिर मामला है कुछ और कहीं फाड़ दी गई पर्चियां तो कहीं पीठासीन अधिकारी ने मतदान कर दिया स्लो इतना ही नहीं एक जगह तो सपा के बूथ अध्यक्ष को ही पीट दिया गया ये मतदान नहीं मनमानी हो रही है चुनाव आयोग मौन होकर सब देख रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये ने भी चौंका दिया सपा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में भी जमकर हल्ला बोल हो रहा है और मैनपुरी में भी जमकर मनमानी का आलम दिख रहा है सपा का दावा है कि मतदान के दौरान जब डिम्पल यादव की बढ़त दिखी तो फिर मनमानी का आलम देखने को मिला और मनमानी के जरिए मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई सपा की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया कि मैनपुरी लोकसभा के जसवंत नगर में बूथ संख्या एक पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा धीमी गति से मतदान करवा वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा है संज्ञान ले चुनाव आयोग और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो स्वंत नगर को लेकर जो पोस्ट किया गया उसके जवाब में जिलाधिकारी मैनपुरी के कार्यालय की तरफ से जवाब दिया गया और कहा गया कि शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया गया मौके पर शांति व्यवस्था कायम है वर्तमान में मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा रहा है लेकिन कुछ देर के बाद ही सपा ने फिर पोस्ट किया और अब की बार सपा ने मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट के क्षेत्र में आने वाले नंगला पांडे को लेकर शिकायत की सपा ने पोस्ट किया और कहा कि मैनपुरी के भोगांव में बूथ संख्या चार सौ बारह नंगला पांडे पर बीजेपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष को पीट कर भगा दिया है मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो इतना ही नहीं मैनपुरी सदर में भी हालात ऐसे ही देखने को मिले शिकायत करते हुए सपा ने पोस्ट किया और कहा कि मैनपुरी लोकसभा के मैन पुरी सदर में बूथ संख्या 02 पर बीजेपी के लोग फाड़ रहे मतदाताओं की पर्चियां नहीं हो पा रहा मतदान संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो हर शिकायत के बाद सपा की तरफ से चुनाव आयोग से संज्ञान लेने के लिए बार-बार कहा गया लेकिन कोई खास संज्ञान लिया नहीं गया और तो और जो मनमानी का आलम दिखा उसने तो कई सवाल खड़े कर दिए ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया हलचल